निगरान वजीर अला सिंध के इंतखाब का मामला, निगरान वजीर अला सिंध के मामले पर आज पेशरफ्त होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर और वजीर अला सिंध के पास मुशावरत का आज आखिरी दिन है। कोशिश की जा रही है कि इत्तफाक़ राय से नाम तय कर लिया जाए। फरीकैन को शाह है कि मामला पार्लिमानी कमेटी इलेक्शन कमीशन को ना जाए। निगरान वजीर अला सिंध के इंतखाब का ये मामला है, आज फैसला होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद। जी अशद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, ज़राए हमारे इस हवाले से बिल्कुल तस्दीक करते हैं कि निगरान वजीर आला सिंध का ऐलान जो है वो आज रात मुतवक्का है। अपोजिशन लीडर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात चंद घंटों बाद जो है वो मुतवक्का है। मुशावरती मीटिंग बुलाने से मुतालिक फरीकैन में जो है वो रबते भी जो है वो जारी हैं, जबकि इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है दोनों फरीकैन के दरमियान के निगरान वजीर आला के इंतखाब के मामले पर बैकडोर रबते जो जारी हैं उस पर इतफाक राय जो है वो पैदा हो जाए और दोनों जो है वो इस एक पॉइंट पर आ जाए। किसी भी जो भी नाम जो है वो तजवीज किए गए हैं अब तक की जो मुलाकातों के अंदर के उसमें जो है एक नाम के ऊपर जो फाइनलाइज कर लिया जाए निगरान वजीर आला के लिए। 11 अगस्त को सिंध असेंबली तहलील हुई थी, दो मुलाकातें जो है वो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राणा अंसार के दरमियान हो चुकी है और आज आखिरी चंद घंटों में ये मुलाकात मुतवक्के है और उम्मीद ये की जा रही है कि एक नाम सामने आ जाएगा। मोहम्मद अशद आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।